हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रवि, आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। आज अगर देखेंगे तो बजट डे था, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कुछ इतना खास मूवमेंट हुआ नहीं। बैंक निफ्टी में तो भी थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है, लेकिन निफ्टी को बिल्कुल ही मूवमेंट हुआ नहीं निफ्टी में। यहाँ पे अगर देखेंगे ये वाला जो 46,000 सॉरी 46,000 वाला जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे जो वाई बिल्डअप था, तो ये शॉर्ट कवरिंग जब आया तो ये कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर गया था। ये वाला जो है, मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो बनता था, ये मैंने शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन जो बन रहा था, तो मैंने ये वाला ट्रेंड लाइन शेयर किया था। मैं आपको दिखाऊंगा वो। तो ये वाला जो शॉर्ट कवरिंग आया था, बस उसके बाद में ये वाला एक मोमेंटम आया था मार्केट में निफ्टी बैंक में। उसके बाद ये भी रैली जो था, ये फेड आउट हो गया। उसके बाद स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर की साइड गया था। तो कल के लिए क्या ट्रेड सेटअप रहेगा, या कौन से लेवल इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, चलिए बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी अगर देखेंगे तो ये जो एक मोमेंटम आया था ये वाला, बस उसके बाद में स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे जा रहा था। लग रहा था कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव हम मान रहे थे इस बजट को। तो मार्केट ने कुछ मोमेंटम दिया नहीं है, तो बहुत सारे लोगों के एसएल आज हिट हुए होंगे, और ऑप्शन सेलर को भी, ऑप्शन बाइंग बायर के तो एसएल हिट हो गए होंगे, और कुछ लोगों ने ओवर ट्रेडिंग भी किया होगा। और ऑप्शन सेलर जो है, उनको भी कुछ खास मोमेंटम मिला नहीं है। तो ये वाले जो लेवल्स मैंने प्रोवाइड किए थे आपको कल, जो एनालिसिस वीडियो मैंने बनाया था, उसके अंदर आप देख सकते हो ये वाले जो है लेवल मैंने प्रोवाइड किए थे। तो इसी लेवल के रेंज में ही मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया है। और ये वाला जो लेवल था, मैंने ये जो रेंज मार्क किया हुआ था, उसी के अंदर मार्केट ने आज अंदर आके क्लोजिंग दिया है। तो अभी तक अगर देखेंगे तो ये 21,700 जो है, ये भी अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। 700 से लेके 800 जो है, इसी के बीच में मार्केट है। अगर कल गैप अप गैप डाउन कुछ होता है, तो हमें एक पोस्ट बजट जो है, एक मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि मोमेंट जो दिख रहा है अभी तक पेंडिंग है। तो ये कॉल राइटर या पुट राइटर जो भी है, इनमें से एक के एसएल मार्केट को लेना पड़ेगा, तभी मार्केट में मोमेंटम हो सकता है। तो कल के लिए जो है लेवल्स, हमारे लिए कौन से लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, चलिए देखते हैं। पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं हम। तो अगर देखेंगे ये वाला जो है मार्केट का, ये ओपनिंग प्राइस था आज, ये वाला जो कैंडल है, ये ओपनिंग कैंडल था। तो अभी जो है यहाँ पे अपसाइड अगर हमें जाना है, तो ये वाला जो है 21,700 जो लेवल है, तो यहाँ पे कॉल राइटर जो है, आप देख सकते हो 2.71 CR जो है यहाँ पे कॉल राइटर है। और पुट राइटर जो है थोड़ा सा कम है कॉल राइटिंग की कंपैरिजन में, 22.52 CR जो है यहाँ पे पुट राइटर है। तो कॉल राइटर यहाँ पे ज़्यादा है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है, जो कि 730 का जो लेवल है, ये वाला जो स्विंग हाई है, हम इसे एक बार मार्क कर लेते हैं। 730 से लेके 740 आप यहाँ पे एक लेवल पकड़ के चल सकते हो। ये वाला यहाँ पे अगर मार्केट निकलता है फ्लैट ओपन होने के बाद में, इसके ऊपर अगर निकलता है 721,738 के ऊपर, तो ही हम लॉन्ग पोजीशन करेंगे। और लॉन्ग पोजीशन जो है इसका, हमारा ये वाला जो टारगेट ये रहेगा 21,777, मैंने कल भी आपको प्रोवाइड किया हुआ था। और ये वाला जो है, ये आज का डे हाई जो है, ये होगा हमारा सेकंड टारगेट, जो कि 21,811 का होगा। और ये वाला जो डे हाई अगर निकालेगा यहाँ पे, अगर कुछ देर सस्टेन करके मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो ऊपर की साइड जो है, ये लेवल हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। जो यहाँ पे वो आई बिल्डअप दिख रहा है 850 का, ये वाला होगा हमारा नेक्स्ट टारगेट, 850 से लेके 870। तो मैं 850 को मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ये वाला होगा हमारा थर्ड टारगेट कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ऊपर की साइड के लिए।
अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे जो पुट राइटर है वो फंस जाएगा, और यहाँ पे हम जो डाउन साइड की जो पोजीशन है तो उसे हम यहाँ पे ये वाला जो डेलो है 700 के नीचे, 650 के नीचे आप एक पुट साइड के लिए पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी एक थोड़ा सा जो है 1.12 CR का जो है यहाँ पे पुट राइटर है, मतलब ये सपोर्ट का काम करने वाला है। तो 650 के नीचे जो है हम पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे, और इसके जो टारगेट होने वाले ये वाला जो स्विंग लो है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये सपोर्ट का काम करेगा 600, ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट जो होगा ये वाला स्विंग लो 530 का, ये वाला होगा हमारा सेकंड टारगेट। और जो थर्ड टारगेट होगा हमारा ये जो लो है ये वाला जो कि 500 का ही आप पकड़ के चलिए, ये वाला होगा हमारा, ये वाला जो सपोर्ट है ये होगा हमारा फाइनल टारगेट जो कि 500 आप बोल सकते हो, 21,500। ये डाउन साइड के लिए हमारे लिए टारगेट होने वाले कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो यहाँ पे पुट राइटर जो है 29.25 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, और कॉल राइटर जो है 27.03 लैक्स का जो है ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्डअप है। तो इसके ऊपर ही मार्केट ने जो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आया था उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। तो बैंक निफ्टी को जो है ये डे हाई अगर निकालता है 300 का जो लेवल है ये वाला, इसके ऊपर ही हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। अगर मार्केट कहाँ पे ओपन होता है उसके ऊपर डिपेंड है ज़्यादा, तो इंटरेस्टिंग रहने वाला है कल कहाँ पे ओपन होता है, पुट राइटर फंसते हैं या कॉल राइटर फंसते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन अगर आपको करनी है तो ये वाला जो लेवल है इसी के ऊपर आपको करना है, जो 46,300 जो लेवल है इसके ऊपर। तो आपको ये जो ऊपर का टारगेट मैंने दिया हुआ है यहाँ तक के आप टारगेट ले सकते हो, 46,555 जो है, आपको 200 से लेके 250 पॉइंट का जो है एक मोमेंटम अपसाइड मिल सकता है। उसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो ऊपर के साइड में मैंने ये लेवल्स मार्क करी किया हुआ है 47,000 का। तो हो सकता है कल ये जो आज का पेंडिंग मोमेंट है कल आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कल ही आ जाए, लेकिन एक जो बजट का अगर बजट के दिन नहीं आता है तो दूसरे दिन हमें रैली देखने मिल सकती है। और पुट साइड में अगर हमको पोजीशन बनानी है बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये वाला यहाँ पे जो है मार्केट को ओपनिंग प्राइस था ये वाला, ये डे हाई यहाँ पे, ये डे हाई अगर मार्केट का जो था और ये स्विंग लो जो है 46,050 जो है यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो आपको पुट साइड पोजीशन बनानी है 46,000 का ही आप पकड़ के चलिए। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो ये वाला जो डे लो ये लो था यहाँ तक के लिए एक टारगेट मिल सकता है 45,850, ये वाला ये मैंने कल भी मार्क किया हुआ था। उसके बाद अगर देखेंगे सेकंड टारगेट 45,750 का, और ये वाला जो है ये हमारा थर्ड टारगेट होगा 45,650 का, ये होगा हमारा थर्ड टारगेट बैंक निफ्टी में। अगर इसके नीचे अगर निकलता है मार्केट, अगर ये सपोर्ट की तरफ आता है जो कि 45,500 का जो है, तो ये भी टारगेट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकता है, ये वाला है हमारा डाउन साइड का टारगेट। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी और दोनों का एनालिसिस। अगर आप अभी तक चैनल पे नए हो या ये वीडियो पहली बार अगर आप देख रहे हो तो मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हो, ये मेरा चैनल का इंटरफेस है, यहाँ पे देखेंगे अगर, ये मेरे चैनल का इंटरफेस है गोल्डन गूस नाम से। यहाँ पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी के या फिर निफ्टी के एनालिसिस वीडियोस
कुछ पेनी स्टॉक्स, कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स, कुछ इंट्राडे स्टॉक्स एनालिसिस वीडियोस जो है डेडिकेटेड एनालिसिस वीडियोस हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और ये अगर देखेंगे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे अगर आप जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे जो राइट हैंड कॉर्नर में आपको ये जो QR कोड दिख रहा है, इसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करके इस चैनल से जुड़ सकते हो। यहाँ पे अगर देखेंगे, आज हमने सुबह ही दिया था, आज वॉलेटिलिटी होने वाली है, तो कम क्वांटिटी से ट्रेड करना है। और कल मैंने यहाँ पे पेनी स्टॉक्स दिए थे, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे ISFL जो है ये दिया था मैंने बाइंग के लिए, 2 रुपीज़ कुछ तो इसका प्राइस था, मैं दिखाता हूँ आपको। और एवेक्सिया बोल के एक शेयर था, पेनी शेयर, ये भी लगभग 2 रुपये और कुछ पैसे का था, जिसने आज 11% 12% लगभग रिटर्न दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कल दिया था, जो ये मैंने खुद बाय किया हुआ था, ये सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आप अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आप चैनल से जुड़ सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने सुबह ही, कल सुबह ही मैंने खुद परचेस किए थे ये वाला। अगर देखेंगे, ये देखो यहाँ पे इसने इमिजिएटली 15-16% का रिटर्न दिखाया था, और इसने भी लगभग 2.5% का रिटर्न दिखाया था। यहाँ पे मैंने दिया था 18% रिटर्न, ये मैंने जब लिया था उसके बाद में दिखाया था इसने। और इन्वेस्टमेंट जो है इसमें सिर्फ 500 रुपीज़ के अराउंड था, ज़्यादा नहीं था, जो कि ज़ीरो भी हो जाए तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इसी तरीके से मैंने दिया था वो। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, ये देखो मैंने यहाँ पे शेयर किया था, जिसको भी लेना है पेनी स्टॉक, जिसको भी लेना है ले लो, इन्वेस्टमेंट ओनली अराउंड 500 रुपीज़। और ये मैंने बाइंग प्राइस दिखाया था, यहाँ पे मैंने जो बाई किया था 2 रुपीज़, एवेक्स ये जो है 2.44 पैसे मैंने बाई किया था, और ISFL जो है 2.70 का मैंने बाय किया था। और आज अगर देखेंगे आप, तो इसने आज भी काफ़ी अच्छा तगड़ा रिटर्न दिया हुआ है, और मैंने आज भी कुछ लिए यहाँ पे, आप देख सकते हो आज लगभग 12%, और ISFL जो है लगभग 1% के आसपास नेगेटिव में क्लोज हुआ है, लेकिन आज ये। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो आज भी मैंने कुछ पेनी स्टॉक जो है शेयर किया है, यहाँ पे मैंने मैसेज भी डाला था, जिसको लेना है ले लो। ये जो है आप देख सकते हो, श्री सिक्योरिटीज़ बोल के नाम से एक शेयर है, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 0.49 पैसा है, मतलब 50 पैसे का शेयर है ये। और ये वाला जो है 1.20 रुपये का है, और ये वाला अगर देखेंगे 2.35 रुपये का है। और एक शेयर जो था मैंने बाद में ऐड किया था, तो ये तीन तीन शेयर जो है मैंने आज शेयर किए थे, ये सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप कुछ भी अगर बाय सेल करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही बाय सेल करें, क्योंकि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी का मैंने ये वाला लेवल दिया हुआ था मैं अपने चैनल पर, कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाके एक रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो मैंने अपडेट भी दिया था, उसके बाद भी काफ़ी ऊपर गया था। यहाँ पे अगर देखेंगे आप, ये जो है ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, इसके ऊपर भी मार्केट गया था, जो आपको मैंने दिखाया अभी। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक मैंने 22,050 का सी दिया था, 25 से 30 रुपये, उसने भी अगर देखेंगे तो हाई लगभग 47 का लगाया था। और यहाँ पे जो है ये मैंने चार्ट पर कल कल भी शेयर किया था, कि 22,000 जो है ये मेरा व्यू था बुलिश साइड के लिए, यहाँ पे मार्केट जा सकता है। तो कल भी मार्केट, या कल या आने वाले नेक्स्ट वीक में जो है 22,000 मार्केट टच कर सकता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो टोटली साइडवेज डे जो है आज मार्केट ने दिखाया हमें बजट के दिन। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।